यूपी के भदोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा, प्रधानमंत्री की रैली में दिखी भारी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बोले जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया है, अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, बोले प्रतापगढ़ प्रतापियों का शहर है, शहर के चारों तरफ तीर्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रहा इंडिया गठबंधन, बोले 4 जून के बाद एक गठबंधन टूट के गिर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी कांग्रेस को जमकर घेरा, बोले इनकी काली कमाई खत्म हो गई है, इसलिए अब इनकी नजर देश की तिजोरी पे पड़ी है। आजमगढ़ में फिर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस ने कभी हिंदू शरणार्थियों की सुध तक नहीं ली। सीएए का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री का बड़ा दावा, बोले कोई नहीं कर सकता सीएए को खत्म। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा विपक्षी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में धंसा। दो है लेकिन दुकान एक ही है। दिल्ली में मारपीट के आरोपों को लेकर स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, एडिशनल सीपी स्पेशल सेल और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी मौजूद। स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस टीम, बढ़ सकती है विभव कुमार की मुश्किल। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को एनसीडब्ल्यू का नोटिस, मारपीट मामले में पूछताछ के लिए 17 मई को बुलाया। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग गंभीर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट मांगी। पहले विभव कुमार की गलती बताने वाले संजय सिंह ने दी सफाई, बोले इस पर राजनीति की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी हमारा परिवार। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में घिरे विभव कुमार फिर केजरीवाल के साथ दिखे, लखनऊ पहुंचने पर सामने आई तस्वीर। स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा महिला नेता के साथ मारपीट होती है और विभव के साथ घूम रहे हैं केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल कोई पछतावा नहीं था, कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी मालीवाल मामले को लेकर सवाल उठाए, कहा केजरीवाल को देना चाहिए इस पे जवाब। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल मामले की जांच के लिए आप गठित करेगी पार्टी की कमेटी, स्वाति मालीवाल चाहती है विभव कुमार पे कार्रवाई हो। स्वाति मालीवाल मामले में प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई, बोली केजरीवाल करेंगे उचित कार्रवाई, अगर मालीवाल कहेंगी तो मैं उनके साथ खड़ी होंगी। स्वाति मालीवाल से बातचीत के बाद एडिशनल कमिश्नर स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने सीनियर अफसर्स को ब्रीफ किया। लोकल पुलिस की एक वैन स्वाति के घर पहुंची, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का डेलीगेशन स्वाति मालीवाल से उनसे घर पे मुलाकात करने पहुंचा। केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, कल दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी, 15 मिनट ईडी और 45 मिनट केजरीवाल के वकील सिंघवी बहस करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज की सुनवाई पूरी, मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इंडिया गठबंधन का एनडीए पे करारा वार, लखनऊ में अखिलेश और केजरीवाल ने साझा बयान देके हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे निशाना साधा, बोले ये संविधान को तार तार करना चाहते हैं। सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। अखिलेश ने बीजेपी को बताया झूठ की यूनिवर्सिटी, साथ ही बोले ये लोग आरक्षण के खिलाफ है। ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे।
लालू यादव ने फिर सत्ता पक्ष पे लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी आरक्षण देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पे तुल गई है। केजरीवाल को मिला ममता बैनर्जी का साथ, मुख्यमंत्री बोली दिल्ली में इंडिया गठबंधन को बाहर से मदद करेंगे। बंगाल को लेकर ममता बैनर्जी के समर्थकों से अपील, बोली सीपीएम और कांग्रेस हमारे साथ ही नहीं, उन पर विचार नहीं करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का इंडिया गठबंधन पर निशाना, 4 जून को सरकार बनाने की दावेदारी, बोली ये लोग दिन में ही सपने देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले चिराग, कौन किस पार्टी को समर्थन देगा ये पता नहीं, सब एक दूसरे का गला काटकर सत्ता में पहुंचने की कोशिश में है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गिरिराज पे हमला बोला, कहा हार देखकर वो बौखला गए हैं। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री जगनमोहन की चुनावी सभा, बोले हम फिर राज्य में सत्ता में लौटेंगे, 140 सीटों पे जीत मिलेगी। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप ने चुनावी सभा में गाली दी, वीडियो हुआ वायरल। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा 10 वर्षों से उनका शासन, फिर भी गौ हत्या पे पाबंदी क्यों नहीं। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा, अब 24 मई को सुनवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पे निशाना साधा, एक्स पे किया पोस्ट। मायावती ने लिखा बीजेपी लोगों को महंगाई से नहीं दिला पा रही मुक्ति। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री के बयान बढ़ा रहे सांप्रदायिक वैमनस्य। उत्तरी कश्मीर में बड़ी आतंकी घुसपैठ की आशंका, 20 मई को 5वें चरण में होना है चुनाव। कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ के बीच अलर्ट पर सेना, सुरक्षा बल ने चलाया सर्च ऑपरेशन। शनिवार को अमेठी में होंगी यूपी के दो लड़के साथ रहेंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थन में जनसभा होगी, प्रसिद्ध नंद बहार बाबा धाम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बैनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगे। राजनाथ सिंह ने की यूपी के सीएम योगी की तारीफ, बोले योगी जी ने किया करिश्माई काम। मैं यहां के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करिश्माई काम किया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। 6 दिन के रिमांड पे झारखंड के मंत्री आलमगीर, लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर से मिला था करीब 35 करोड़ कैश, 2 दिन चली पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सियासी फायदे के लिए किया गया गिरफ्तार। असम के सीएम हेमंता ने रांची में बयान दिया, कहा एक आलमगीर गिरफ्तार हो चुका है, भगवान से प्रार्थना है कि बाकी आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो। हरियाणा के यमुनानगर में उत्तराखंड के सीएम धामी अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में विशाल जनसभा में नजर आए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एक आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से नाकाबंदी पर पकड़ा आतंकी। हैंड ग्रेनेड और पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोट बरामद, खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन में हथियार बरामद हुए। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख की कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जल्द ही मूल मालिकों को लौटाए जाएंगे ये फोन। अकोला में अपहरण किए गए व्यापारी को पुलिस ने सही सलामत छुड़ाया, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ की फिरौती के लिए 13 मई को हुआ था अपहरण। वडोदरा साइबर क्राइम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के 17 आरोपियों को धर दबोचा, फेसबुक पे शेयर मार्केट के विज्ञापन देकर ठगते थे आरोपी। चारधाम यात्रा पे सीएम धामी की आला अधिकारियों के साथ बैठक, दिए निर्देश, नियम के अनुरूप चलाए यात्रा, किसी को भी सिफारिश लगाकर यात्रा में शामिल न होने दे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे, सीएम के सत्तादेश, सख्ती से हो चेकिंग, बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा की अनुमति नहीं।
केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। अब तक 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। भगवान रुद्रनाथ की डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से कैलाश रवाना हुई। भारतीय सेना के बैंडों की मधुर धुन से भक्तिमय हुआ माहौल। 18 मई को पौराणिक रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। पशु सेवा की मिसाल बना मुंबई का एक पुलिस अधिकारी, थाने में पाल रखे हैं कई डॉग्स और कैट्स, क्रूरता के खिलाफ FIR भी करते हैं दर्ज। झांसी में चलती ट्रेन से गिरे बुजुर्ग की RPF के जवान ने जान बचाई, घटना CCTV में कैद। गुजरात के आनंद की फैशन डिजाइनर ने कमाल कर दिया, जिज्ञासा पटेल ने लंदन फैशन वीक में गुजराती फैशन वीक का जलवा बिखेरना है। फुटबॉलर सुनील छेत्री का ऐलान, कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री सोशल मीडिया एक्स पे वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, 19 साल के करियर को याद किया। दिल्ली में बढ़ते पारे के बीच लगातार बढ़ रही है बिजली की डिमांड, गुरुवार को रिकॉर्ड 6780 मेगावाट दर्ज की गई बिजली की मांग। अगले कुछ दिन में बिजली की अधिकतम मांग 7000 मेगावाट के पार जाने का अनुमान है, इससे पहले मई में साल 2019 में दर्ज की गई थी 6461 मेगावाट की डिमांड। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में और बढ़ेगा गर्मी का सितम, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब में हीट वेव की आशंका। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मई महीने में फिलहाल कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस ना आने से मैदानी इलाकों में पारा बढ़ेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू, हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, तापमान गिरा। देश में बेरोजगारी दर सालाना आधार पे 6.8% से घटके 6.7% हुई, तिमाही आधार पे बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई। अगले 12 से 18 महीनों के दौरान देश में मेगा रोजगार के अवसर, टूरिज्म सेक्टर में 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अप्रैल में बढ़ा देश का निर्यात, आयात में ज्यादा बढ़ोतरी होने से 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा देश का व्यापार घाटा। भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट काफी कम, वाणिज्य मंत्रालय का दावा। भारत में चीनी कंपनियों के ईवी के उपकरण और बैटरी की डंपिंग करने का खतरा बढ़ा, भारत को निर्यात की जाने वाली बैटरीज की कीमतें 3 महीनों में 20% घटी। 9 साल में देश में 7000 कृषि स्टार्टअप्स बनने का दावा, कहा 2014 से 2015 और 2022 से 2023 तक कृषि बजट में 300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। होटल प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिलने का अनुमान, अगले 5 से 7 साल के दौरान देश के अलग अलग शहरों में होटल कारोबार में निवेश होगा। बेन कैपिटल ने हल्दीराम स्नैक्स में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के सिंगापुर के टॉमसिक के साथ साझेदारी की है, हल्दीराम को खरीदने की रेस में ब्लैकस्टोन की अगुवाई वाले कंसोर्टियम के साथ मुकाबला होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के ट्रांजिट ट्रैफिक हब के तौर पर भारत की पहचान मजबूत हुई, फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की तादाद 97% से बढ़कर 68,000 के पार निकली। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के AUM 1 साल में